अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं कश्मीर पॉइंट मरी में। ये बिल्कुल हमारे सामने सफारी ट्रेन है और यहाँ पे अभी हम इसका टिकट लेते हैं और आज हम आपको सफारी ट्रेन की सैर करवाते हैं। ये टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है जो इस ट्रेन के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाती है, तो हम भी इसमें बैठेंगे अभी, तो हम इसको इंजॉय करेंगे। हमारे साथ ही का वीडियो को इंजॉय कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ले जी, हम अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये अभी अनाउंसमेंट की जा रही है, ये सफ़र 22 से 25 मिनट का है, तो चले इंशाल्लाह आपको इसके व्यू दिखाते हैं, तो वीडियो के साथ रहिएगा। जी ट्रेन का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, अब ये मुख्तलिफ मकाम से होती हुई हमें उनका व्यूज़ दिखाएगी, तो चलें हमारे साथ रहिएगा और हम इसको इंजॉय करते हैं। आप भी वीडियो को इंजॉय करें। आपको व्यू नजर नहीं आएंगे, अगर मौसम क्लियर हो तो यहाँ से आपको लौट का
मई एक्सप्रेस वे और न्यूमर पलाड़ा का व्यू आपका बेहतर फील दिखाई देता है। मई से 16 किलोमीटर के पास में एक दिन सर्व दिलकश तफरी मुकाम पलाड़ा वाक है। पलाड़ा अपनी कुदरती पसंद से मेहमान है। यहाँ पर टीसी भी चेयरलिफ्ट और केबल कार का जदीद निजाम नस्ल करके पलाड़ा की दिलकशी में चार चांद होने ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में शोर किया। हजारों सयाह रोजाना पलाड़ा चेयरलिफ्ट और केबल कार की सैर को आते हैं। چونکہ بقاعدہ چیئر اور ٹیبل کار کی سیر کے بغیر سیاحوں کی تفریح دی جاتی ہے۔ ٹیبل کار کے سفر کے دوران آپ کشمیر کے بلند بالا پہاڑ رائل گڑھ اسلام آباد کے مناظر پر لوٹتے ہیں۔ آپ بقاعدہ کی تفریح کرنا ہرگز نہ بھولیے گا جہاں آپ چیئر اور ٹیبل کار سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے تفریح لمحات کو یادگار بنائیں گے۔ شکریہ۔ ٹرین اپنی مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی اپنے اسٹیشن پہ پہنچنے والی ہے۔ باہر کا موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ چلے چلتے ہیں اور موسم کو انجوائے کرتے ہیں باہر جا کے۔ یہ دیکھیں جی باہر کافی اچھا موسم ہے، بادلوں نے گھیر لیا ہے کشمیر پوائنٹ کو۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thank you.